भारत के पांच सबसे महंगे स्कूल, फीस जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। हेलो दोस्तों, एवरी ट्रेंडिंग फैक्ट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के पांच सबसे महंगे स्कूलों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, दून स्कूल देहरादून। ये भारत के टॉप स्कूलों में शुमार है। इस स्कूल को दून वैली में 1929 में खोला गया था। ये स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए है। यहाँ से देश के कुछ अमीर घरानों के बच्चों ने पढ़ाई की है। राहुल गांधी, राजीव गांधी इसमें शामिल है। इस स्कूल की फीस 9,70,000 रुपये सालाना है। 25,000 टर्म फीस है। एडमिशन के समय यहां 3,50,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने होते हैं, जो रिफंडेबल होता है। वन टाइम एडमिशन फीस 3,50,000 रुपये देनी पड़ती है। नंबर टू, सिंधिया स्कूल ग्वालियर। सिंधिया स्कूल को 1897 में ग्वालियर में खोला गया था। इस स्कूल को तब के महाराज माधव राव सिंह सिंधिया ने खोला था। यहां से बॉलीवुड के कई सितारों ने पढ़ाई की है, उनमें से सलमान खान और अनुराग कश्यप प्रमुख है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। सिंधिया स्कूल की सालाना फीस लगभग 7,70,800 रुपये है। नंबर थ्री, वुड स्टॉक स्कूल मसूरी। ये एक कोएड बोर्डिंग स्कूल है। ये स्कूल मसूरी में है। यहाँ से एक्टर टॉम अल्टर और राइटर नयन तारा सहगल ने पढ़ाई की है। सालाना फीस लगभग 15,90,000 रुपये है। यहाँ पर एडमिशन के समय 4,00,000 रुपये देने होते हैं, जो नॉन रिफंडेबल फीस होती है। नंबर फोर, वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून। ये दून वैली स्कूल के पास ही है। यहाँ से कई बड़े नेताओं ने पढ़ाई की है। यहीं से वरुण गांधी के पिता संजय गांधी ने भी पढ़ाई की थी। यहाँ की सालाना फीस लगभग 5,70,000 रुपये है। उस अवधि के दौरान ट्यूशन समेत अन्य फैसिलिटी के लिए अतिरिक्त 1,00,000 रुपये देने पड़ते हैं। नंबर फाइव, मायो कॉलेज अजमेर। ये बॉयज रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, जिसे 1875 में बनाया गया था। ये भारत के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। यहाँ 9 होल गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड है। यहाँ की सालाना फीस लगभग 5,14,000 रुपये है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए